गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री ब्रेन बूस्टर। आई एम सुजीत सर, योर केमिस्ट्री मेंटर। टुडे द टॉपिक इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, एक्चुअली व्हाट वी आर सीइंग हियर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिल दिस डेट has asked by any board exams, ICSE or JAM or state, any other Bihar board like that. What are the important questions has come from this topic? Having conceptual problems, these are the important questions. Among of them, this is 1 marks, 2 marks, 3 marks, starting from 1 marks. Okay. सबसे पहले हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इस बोर्ड पे आपको दो क्वेश्चन रिटर्न दिख रहा होगा, एक ये ब्लैक पेन से दिख रहा होगा और एक दूसरा ये प्रॉब्लम है। बोर्ड को पार्टीशन कर दिया है हमने, एक इधर लेफ्ट में अलग प्रॉब्लम है, राइट में इधर दो सवाल है, ठीक है। एक एक मार्क्स क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का है और ये भी 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको क्या दिया हुआ है। गिवन दैट दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ई नॉट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड, ई नॉट लगा हुआ है, नॉट है ना, ये नॉट लगा हुआ है ना, इसलिए क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ मेटल्स। जो इलेक्ट्रॉन है उनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या दिया है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया है -2.93 वोल्ट, सिल्वर एजी का क्या दिया हुआ है 0.80 वोल्ट, कॉपर का क्या दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, मैग्नीशियम का दिया हुआ है -2.37 वोल्ट, क्रोमियम का दिया हुआ है -0.74 वोल्ट और Fe2+Fe यानी आयरन का दिया हुआ है -0.44 वोल्ट। अब उसके बाद ये जो डाटा गिवन है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज करना है इन मेटल्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। आपको क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया हुआ है किसी मेटल का, और उस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के आधार पर आपको इनका रिड्यूसिंग पावर अरेंज करना है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और रिड्यूसिंग पावर के बीच में एक रिलेशन पता होना चाहिए, कि जब तक रिलेशन पता नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन बना नहीं सकते हैं। और इस क्वेश्चन के पूछने का मेन थीम, मेन मकसद भी यही है कि वो ये चेक करना चाहता है कि क्या बच्चे को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और रिड्यूसिंग पावर में संबंध पता है, क्या फायदा, क्या मतलब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का, प्रैक्टिकल मतलब क्या है, क्या ये बच्चे को पता है, इसीलिए उसने छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया। तो हम बोलेंगे हाँ हमें पता है, ठीक है, क्या पता है भाई, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रिलेशन आपको पता होना चाहिए, किसी भी मेटल का रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल, किसी भी मेटल का या इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, किसी भी मेटल का जो रिड्यूसिंग पावर होता है वो उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात अगर आपको जचता है, समझ में आता है, ये बात आपके दिमाग में रहता है, तो यहां से पैसा भी क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे, ठीक है। क्या मैंने कहा कि रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, बात समझ में आ रहा है, यानी जिस एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल यानी ई नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही कम होगा। यानी किसी मेटल का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा कम होगा जब उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होगा, कम होना चाहिए। जितना कम रहेगा क्या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, जितना कम रहेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पावर उस एलिमेंट का उतना ही ज्यादा होगा। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बड़ा लिख लेते हैं, फिर छोटा लिखेंगे, बाद में अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो बताइए कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसका है, ये है -2.93, माइनस वाला पहले देख लीजिए, माइनस मतलब कम होता है, ये माइनस में है 2.93, ये माइनस में है 2.37, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। अभी चारों में आप कंपेयर किए सबसे कम कौन है, सबसे कम कौन सा है, -2.93 सबसे कम है ना, माइनस लगा हुआ इसीलिए बोल रहा हूं मैं, 2.93 मत देखिए, सिर्फ -2.93 देखिए, यानी पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सबसे कम है, यानी इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है। यानी हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पोटेशियम, बाद में स्टूडेंट देंगे पोटेशियम, उसके बाद देखेंगे इससे कम कौन है, उसके बाद
इससे कम कौन सा है, जितना कम रिड्यूसिंग पावर, जितना कम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल रहेगा उतना ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा, तो सबसे कम इसका था। उसके बाद ये लग रहा है 2 पॉइंट, उसके बाद क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, उसके बाद क्या होगा भाई इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है ये, मतलब ये कहने का मतलब इससे कम है, उसके बाद क्या हो जाएगा क्रोमियम, उसके बाद क्या हो जाएगा आयरन, उसके बाद ये तो खत्म हो गया। अब हमको जो बच गया ये बच गया 0.34 और 0.80। अब देखना है कि कम कौन है इन दोनों में कम कौन है, 0.3 है ये 0.8 है, तो कम कौन हो गया भाई कॉपर, तो कम इसका वैल्यू हुआ तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा इसका। उसके बाद सिल्वर सबसे लास्ट में आ जाएगा। अब क्या क्वेश्चन बोला था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटा से बड़ा लिखना है, इसी को उल्टा कर दीजिए, Ag, Cu, Fe, Cr, Mg एंड K, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ये आंसर। कुछ समझ में आया बात, बस ये जो आपके पास रिलेशन है ना, ये रिलेशन से मैंने क्वेश्चन बना दिया है, ये रिलेशन आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और किसी मेटल का अगर हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पता है तो हम उसका रिड्यूसिंग पावर निकाल सकते हैं, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल रहेगा उतना ही कम उसका रिड्यूसिंग पावर होगा। बात समझ में आ रहा है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहा गया जी ब्लैक मार्कर जी, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है कि रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल, ये क्वेश्चन हो गया है, दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल, एक गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया, ये तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, अब क्या दिया मैं सॉल्व करता हूं, आपको दिया गया है देखिए ये जिंक है ये कॉपर है, उसके बाद Zn2+, Cu2+, अब बताइए Zn से क्या हो रहा है Zn2+, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, Zn से Zn2+ हो रहा है, मतलब उसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अरे भैया इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन, Zn से Zn2+ हो गया मतलब उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो जिंक का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया ना, और ऑक्सीडेशन कहां पे होता है याद है आपको लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, तो ऑक्सीडेशन कहां पे होता है एनोड पे, और एनोड कहां होता है एनोड क्या होता है नेगेटिव लेफ्ट साइड पे होता है। यानी हम कैसे लिखते हैं पहले आपको याद है कैसे लिखेंगे, Zn सिंगल वर्टिकल लाइन Zn2+, उसको लिख देंगे नीचे छोटा सा एक्वस, उसको लिख देंगे सॉलिड, उसके बाद क्या करते हैं सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज के बाद हमने क्या बताया सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड क्या रहता है इलेक्ट्रोलाइट रहता है, तो इधर भी क्या कर देंगे Cu2+, और यहां क्या कर देंगे एक्वस, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन देंगे और क्या लिख देंगे कॉपर, बस ये क्या हो जाएगा सॉलिड, ये वाला जो क्या है इसके नीचे क्या लिख देंगे सॉल्ट ब्रिज लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसके नीचे सॉल्ट ब्रिज लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बस ये जो करना था Zn से Zn2+, तो Zn2+ एक अगर रख दिए, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं Cu2+ से क्या हो रहा है Cu, यानी Cu2+ से Cu हो रहा है, जो उसके पास पहले से प्लस चार्ज था जिसने दो इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ था, अब उसके पास एक भी चार्ज नहीं है, मतलब जितना वो किसी को दिया था उतना उसने वापस क्या कर दिया गेन कर लिया, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कॉपर का क्या हो रहा है रिड्यूसर रिडक्शन, और रिडक्शन किधर होता है राइट साइड में होता है, तो राइट साइड में क्या कर दिए कैथोड कर दिए, लेफ्ट साइड क्या कर दिए एनोड, और लिखना चाहते हैं इधर लिख दीजिए एनोड, इधर लिख दीजिए कैथोड, बीच में लिख दीजिए सॉलिड ब्रिज, हो गया आंसर। तो रिप्रेजेंट करने बोलेगा किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया है ना मैंने आपको, बोलो बच्चों चल ठीक है, बोल नहीं सकते हो आप लोग, बोलोगे भी तो मेरे तक आवाज नहीं आएगी है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपेंस इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड, इफ क्या होगा यदि हम एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड बिकम्स ग्रेटर देन ई नॉट सेल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओहो ओहो ओहो, देखो पूछता है कि अगर मान लिया कोई सेल है कोई बैटरी है, तो उस बैटरी का उस सेल का जो पहले से है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो ई नॉट सेल है ईएमएफ ऑफ सेल है जितना उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए 1.5 वोल्ट की सेल लिया हमने, अब उस 1.5 वोल्ट की सेल में हम 1.5 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बाहर से सप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ, सोचो। मैं क्या कह रहा हूं नहीं समझ में आ रहा, मैं कह रहा हूं कि 1.5 वोल्ट की अगर मान लीजिए कोई बैटरी है या 6 वोल्ट की बैटरी है या 12 वोल्ट की बैटरी, चलो 12 वोल्ट की बैटरी लेते हैं, बड़ा वाला कार में जो लगी होती है 12 वोल्ट की बैटरी है, उसमें अगर हम उससे 12 वोल्ट से ज्यादा वाला ईएमएफ पोटेंशियल उसमें सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं बैटरी चार्ज होने लगेगा यार, उल्टा करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था वो क्या होने लगेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा।
मेरे कहने का मतलब है मेरे पास 10 लाख रुपया है और मेरे सामने कोई आ गया है उसके पास 20 लाख रुपया है, तो उसके सामने हम क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे, भाई साहब बस आप ही हैं जो है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास जितना ताकत है उससे ज्यादा ताकतवर आदमी कोई आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे? हाथ जोड़ देंगे, भैया राम राम, दूर से मतलब हम हार मान जाएंगे, मतलब हम उल्टा हो जाएंगे। जब हम लड़ने के घर जा रहे थे वापस, अरे भैया नहीं, देखे है ना मूवीज में। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इसका मैं लिखवा नहीं रहा, बस इतना समझ लो इसमें क्या हो जाएगा। अगर ई नॉट सेल से ज्यादा सप्लाई कर दीजिएगा आप, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिकम्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी रिवर्स्ड। पहले करंट कहां से कहां जाता था, कैथोड से एनोड में करंट जाता था ना, और इधर से इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता था तो इधर से इधर क्या फ्लो करता था, करंट। अब इधर से करंट फ्लो करता था, जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, करंट उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। अरे भाई मोबाइल चार्जिंग होता है तो क्या होता है, करंट दूसरे डायरेक्शन में जाता है, जब हटा देता है तो करंट दूसरे डायरेक्शन में जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मोबाइल को चार्ज लगा के यूज नहीं करना चाहिए, फटने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर होता रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई बैटरी चार्ज होता है ना, चार्ज कब होता है देखते हैं ना, 12 वोल्ट का बैटरी है, बैटरी को चार्ज करने के लिए दुकान में देते हैं तो कैसे करता है, जब बिजली आता है तो उसे सप्लाई करता है, उसको तसटा देता है तो चार्ज होने लगता है, क्यों, क्योंकि वो 240 वोल्ट का है, 440 वोल्ट का आप उसमें ईएमएफ सप्लाई कर रहे हैं तो 12 वोल्ट उसके सामने कुछ है क्या, होगा चार्जर होगा यार, बैटरी चार्ज कैसे करता है, उसको जब करंट लाइन आता है तो उसको चिपका देते हैं ना, चार्ज होने लगता है, क्यों, क्योंकि करंट जो आ रहा है हमारे घर में वो 240 वोल्ट का है, 440 वोल्ट का है और हमारा बैटरी 12 वोल्ट का है, जब उसमें सटाते हैं तो क्या होता है, चार्ज होने लगता है, ऑटोमेटिकली करंट का डायरेक्शन उस वक्त बदल जाता है। जब बैटरी चार्ज होता है तो करंट एनोड से कैथोड जाता है, और जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होता है, बैटरी वर्किंग में होता है, तो उसका करंट कैथोड से एनोड आता है, तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज कर जाएगा और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका दो पॉइंट आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन लिखने के बाद, ठीक है, क्या होगा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और करंट का डायरेक्शन एनोड टू कैथोड हो जाएगा, यानी कि करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए तो था कुछ क्वेश्चन, एक छोटा सा और क्वेश्चन लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं थोड़ा सा, कहां गया डस्टर, इसको मिटाए, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हम, आपका इसको वीडियो को ऐड कर देंगे। चलिए वेलकम बैक, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। एक सेल दिया गया है आपको, एक सेल दिया गया है और उस सेल का आपको क्या करना है, ईएमएफ निकालना है, ठीक है, ई नॉट ई सेल निकालना है, ईएमएफ निकालना मतलब क्या निकालना है आपको, ई सेल निकालना है। और क्या क्या दिया हुआ, ई नॉट सेल दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है 298 केल्विन, टी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है कितना दिया है 298 केल्विन दिया है, आर हम लोग जानते हैं कितना होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब हमको कोई सेल दिया है और हमको कुछ भी निकालना पड़ेगा रैंडम, यहां पर देखिए तो क्या इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी है क्या, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट जो है उनका कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है क्या, 1 एम है क्या, नहीं है, इसका मतलब यहां स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नहीं निकालना है, ठीक है, यहां पर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल नहीं निकलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कब निकलता है, जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी हो, यहां तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन 1 से कम बहुत कम है, तो इस कंडीशन में यानी यहां पर हमको जो लंबा चौड़ा डेरिवेशन वाला जो बताया था पहला वो नहीं करना है, यहां पर हमको नल्स इक्वेशन लगाना है, नल्स इक्वेशन की मदद से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा, तो हमारे पास नल्स इक्वेशन क्या था याद है आपको, ई सेल इज इक्वल टू था ई नॉट सेल माइनस माइनस 2.303 RT by NF log oxidized ion का concentration divided by reduced ion का concentration, यही सब यही था हमारे पास नल्स इक्वेशन। लेकिन हमने क्या बताया था कि अगर R का वैल्यू तो कॉन्स्टेंट है, T का वैल्यू हमेशा रूम टेम्परेचर पर लेना है 298 केल्विन लेते थे, और F का वैल्यू कितना लेते थे 96,500 का फिक्स है, यानी F फिक्स है, F मतलब फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल जाएगा, तो कितना आता है 96,487 कूलम। बट हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 96,500 कूलम पर मोल लेते हैं, ठीक है, तो F हमको पता है, R पता है, T पता है,
इन सब का वैल्यू भी हमने पुट करके आपको बताया था ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी कॉम्पिटिशन बोर्ड एग्जाम में तो खैर ये चेंज नहीं करेगा, 298 कैल्क ही रखेगा, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या होता है 298 कैल्क को चेंज करके कभी कभी 300 कैल्क कर देगा, ठीक है, या मान लीजिए कि 310 कैल्क कर देगा या 500 कैल्क कर देगा, मतलब बैटरी को 500 कैल्क पे रखे हैं, तब क्या करेंगे उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली लगाना पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको यहां से जाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसीलिए मैंने इस फॉर्मूला को भी लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ टेम्परेचर 298 है तब तो आप दूसरा लगा सकते हैं, तब उसके बाद आप सिंपल इजी में लगा सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आपको पता है 2.303 RTF सबका वैल्यू पुट कर देते थे तो वैल्यू आता था 0.059 बाई एन आता था, लॉग ऑक्सीडाइज्ड आयन का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड आयन का कंसेंट्रेशन, यही ना आता था, डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड आयन है यहाँ पे, क्या है रिड्यूस्ड आयन का कंसेंट्रेशन, ये कर देते। इसमें क्या किया आपने 2.303 को R का वैल्यू दिया है, नहीं भी दिया तो आपको पता होता है, T आपको दिया हुआ है 298 केल्विन, F का पता है फैराडेस कांस्टेंट, 298 केल्विन लेके यहाँ पे सॉल्व किया गया है, ठीक है, T का वैल्यू 298 केल्विन लेते हैं तब ये वैल्यू आता है, अगर T का वैल्यू चेंज कर दीजिएगा तो ये वैल्यू भी चेंज कर जाएगा, बात समझ में आ रहा है, जब अगर मान लीजिए T का वैल्यू चेंज कर देगा तो आपको इस फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टी का वैल्यू कुछ और पुट करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू आया है ये टी का वैल्यू 298 कैल्विन लेने पर आया है, बस समझ में आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, बहुत बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाता है एग्जाम में गलत आंसर आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में वो जो बनाएंगे ना तो ऑप्शन में आपका जो आंसर आएगा वो दिया हुआ भी रहेगा, आप सोचेंगे हम बना तो सही आए हैं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ टेम्परेचर जो है ये 298 कैल्विन है या नहीं, इसको एक क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं बहुत बार मिस्टेक कर चुका था जब मैं 12th में था, तो इसलिए क्या करना है, तो वहां मैं ध्यान नहीं देता था कभी कभी, क्योंकि जनरली ज्यादातर क्वेश्चन में 298 ही रहता था, अगर कुछ नहीं टेम्परेचर दिया हुआ तब 298 लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर स्पेसिफाई कर दिया है टेम्परेचर तो आपको फिर यहाँ पे टी का वैल्यू आपको 298 लेना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी हो जाता है। चलिए अब हमको देखना है इसमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले बताइए जरा एमजी से क्या हो रहा है, एमजी 2+ हो रहा है, एमजी से क्या हो रहा है एमजी 2+, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, दो, यहाँ भी क्या हो रहा है Cu 2+ से क्या हो रहा है Cu, यानी दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया और दो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, हो क्या रहा है, समझ रहे हो, एमजी से क्या बन गया है एमजी 2+ बन गया, इसका मतलब मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, एमजी से क्या हो गया एमजी 2+ मतलब मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो मैग्नीशियम का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम का क्या हो गया ऑक्सीडेशन, तो जहां पर ऑक्सीडाइज्ड आयन का कंसेंट्रेशन लिखना है वहां पर अब क्या लिखेंगे एमजी 2+ आयन का कंसेंट्रेशन लिखेंगे, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय N का वैल्यू क्या लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, तो मैग्नीशियम में भी दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है और कॉपर, कॉपर वाले में क्या हो रहा है Cu 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू Cu, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, जहां पे रिड्यूस्ड आयन का कंसेंट्रेशन लिख रहा है वहां पे क्या लिखेंगे कॉपर आयन, ठीक है, और एन का वैल्यू यहां पे दो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है इसलिए एन का वैल्यू क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे, लॉग ऑक्सीडाइजेशन किसका हो रहा है मैग्नीशियम का, यहां क्या लिखेंगे एमजी 2+ आयन का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय यहां पे रिडक्शन किसका हो रहा है कॉपर का, यहां क्या लिखेंगे Cu 2+ आयन का कंसेंट्रेशन, बिल्कुल सही चल रहा है बराबर है। चलो अब क्या करना सबका वैल्यू पुट कर दे मेरे प्यारे, ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है देखो, तो ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है 2.71, क्या पुट करेंगे 2.71 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग एमजी 2+ आयन का कंसेंट्रेशन कितना दिया, तो यहां से देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है एमजी 2+ आयन का कंसेंट्रेशन कितना दिया है 0.1, कितना दिया है 0.1 डिवाइडेड बाय Cu 2+ का कंसेंट्रेशन कितना दिया है 0.01, बस नहीं करना है। अब देखिए क्या करना है, अब जरा इसको सॉल्व कीजिए ना पहले आप, 0.1 को क्या मैं लिख सकता हूं 1/10, 0.01 को क्या मैं लिख सकता हूं 1/100, तो क्या करने बोला है 0.1 यानी 1/10 को डिवाइड करने बोला है 0.01 से यानी 1/100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 कहां चला जाएगा ऊपर, 10 कहां आ जाएगा नीचे, 10 × 100 यानी इसकी वैल्यू क्या निकल के आई 10, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई 10, तो क्या लिखेंगे 2.71 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग, इसकी वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1,
अगर कुछ और चीज लॉग का वैल्यू रखता ना आता नहीं, आप फंसता ना, जैसे लॉग 5 आता, लॉग 8 आता, लॉग 12 आता, तो उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता, ठीक है। उसका वैल्यू अगर मान लिया लॉग 8 फंसता क्वेश्चन बनाने में, तो आपको लॉग 6, लॉग 7 और लॉग 8 का वैल्यू, लॉग 8 का डायरेक्ट नहीं देगा, 6, 7, 8 तीन छूट देगा, ताकि आपको हिंट ना मिल जाए, क्वेश्चन बनाने वाला भी स्मार्ट होता है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, लॉग अगर 8 का वैल्यू चाहिए आपको, 6 का देगा, 7 का देगा, 8 का देगा, डायरेक्ट 8 का खाली नहीं देगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने का, अगर तीन को लॉग का वैल्यू दे दिया है, तीनों लगेगा का, तीनों नहीं लगेगा, कोई एक लगेगा उसमें से, हम जानते हैं ये बचपन से जानते आ रहे हैं कि लॉग, आप लोग 12th में है तो लॉग 10 का वैल्यू, हम 11th में तो पढ़ा होगा ना, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.71 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, नहीं करो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, 2.71 में माइनस कर देंगे इसको 0.059 बाय 2, इसको सॉल्व कर देंगे और जो भी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इतना वोल्ट, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 59 बाय 2 इनटू 1000 हो जाएगा। थोड़ा देर 30 ले लेते हैं ना, 60 ले लेते हैं, थोड़ा देर 59 को 60 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, लेकिन हाँ मान लो ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 230 60, और एक जीरो से जीरो कटेगा, 3/100 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, 2.71 में क्या हटा दोगे, 0.03 माइनस कर दोगे, तो वैल्यू निकल के नहीं आ जाएगा, 1 में 3 गया नहीं आ गया, 11 में 3 गया आ गया, कितना बचा, 8, या कितना बच गया, 6, 6 में 0 गया तो बोले तो 6, 2.68 वोल्ट, क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। यानी इस सेल का, इस सेल का वैल्यू कितना है, EMF कितना है, 2.68 वोल्ट। आपको हमेशा E0 का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, कभी कभी नहीं भी देता है, तो अभी वैसे भी क्वेश्चन कराएंगे, अभी 10-12 क्वेश्चन इससे कराएंगे, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जैक में आता है, सीबीएसई में ये वाला नहीं आएगा, सीबीएसई में कैसा क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे एम टू प्लस कर देगा और यहाँ पे 3+ वाला दे देगा, मतलब एन का वैल्यू 2 भी दे देगा और 3 भी दे देगा, अब तुमको फंस जाओगे सारे, एन का वैल्यू 2 ले कि 3 ले, तो कभी अगर यहाँ पे मान लो कि 2+ रहेगा और यहाँ पे 3+ रहेगा, तो ना ही 2 लेना है ना ही 3 लेना है, 2, 3 ले कितना होता है, 6 होता है, तो 6 लेना है। मान लीजिए यहाँ 4 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया, तो कितना लेना है, 4, 5, 20 लेना है, बस वही मारा है, 4 भी दे लेना और 5 भी दे लेना है, ठीक है। जब बराबर रहेगा तब ठीक है, अगर उल्टा पलटा रहा, मान लिया 2 रहेगा या 1 रहेगा, तो 2 लेना है, 2 बन जा 2 मल्टीप्लाई करके लेना है, क्योंकि जब बैलेंस करेंगे ना, तो उसको 2 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को 1 से करेंगे, अभी बताएंगे सर क्वेश्चन, बट अभी मैंने आपको हिंट कर दिया वैसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनेगा, बस खाली एन में इश्यू है, बाकी सब फिर वैसा ही बनेगा। चलिए तो उसको यही रखते हैं क्लास, इसके बाद आगे थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, ये सब बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है।